Welcome to the e-learning session regarding CT commissioning techniques. हम आपको e-learning session में खुशामदीद कहते हैं और ये session होगा current transformer की commissioning techniques के मुतालिक. मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और मैं अपना little introduction दूंगा start में. मैं deputy general manager network design and protection हूँ. मेरा तकरीबन 18 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर लेस्को से, देन आई मूव ऑन टू NTTC, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी. उसमें मैंने वेरियस सर्विसेज रही और उसके बाद मैं सेमी सऊदी चला गया, सऊदी अरेबिया. वहाँ ऑलमोस्ट 10 ईयर सर्व किया और डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया सिमिस में रहते हुए, जस्ट लाइक आरामको, साबिक सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, मराफिक और भी रॉयल कमीशन, डिफरेंट कंपनीज से अच्छा एक्सपोजर मिला. फिर पाकिस्तान आके मैंने OMS ETCS एक लोकल कंसल्टेंसी एंड कमीशनिंग ग्रुप को ज्वाइन किया और वेरियस प्रोजेक्ट्स किए. मेरा जो बैकग्राउंड वो मेनली प्रोडक्शन कमीशनिंग से मुतालिक है. सो इस ट्रेनिंग में हम जो है बेसिकली CT कमीशनिंग की टेक्निक्स सीखेंगे. कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि अभी इम्प्लीमेंट हुई हैं कि इलेक्ट्रिक में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं. हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं और हर टेक्निक का अपना एक एडवांटेज है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं और हेल्दीनेस को चेक कर सकते हैं. करंट ट्रांसफार्मर्स बेसिकली आप दो तरीकों से कमीशन करते हैं. एक कि आपका पूरा नया पैनल आया है उसके अंदर एक नया ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और एक ये कि कोई सीटी आपने अपग्रेड करना है या डैमेज सीटी को रिप्लेस करके नया सीटी लगाना है. ये जो आपका ई रनिंग सेशन है ये दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा. जब सीटी फैक्ट्री से आते हैं या पैनल फैक्ट्री से साइट पर डिलीवर होता है तो फैक्ट्री बेसिकली इसको एज पर द प्रोसीजर एक्सेप्टेंस टेस्ट किया जाता है उसका. That's called as FAT, factory acceptance test. साइट पे डिलीवरी के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सर्किट को उसको चेक ना करें, सीटी को चेक ना करें, और रिले में हम ये ना चेक करें कि एनर्जाइजेशन के बाद कि वो करंट रीड कर रही है नहीं कर रही है. तो इस ट्रेनिंग में हम डिफरेंट टेक्निक्स सीखेंगे, प्रोसीजर्स हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसीजर्स हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और हम सीखेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं डिफरेंट कमीशनिंग्स के. कमीशनिंग बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी कहलाती है कि जो कि डेड और आइसोलेटेड सिस्टम में की जाती है, और आपका नया पैनल आया है, नया सीटी आया है और आप उसका एनर्जाइज करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप उसको ऑब्वियसली अनर्जाइज पोजिशन में, आइसोलेटेड पोजिशन में मेक श्योर करेंगे कि पैनल आइसोलेशन एज पर के स्टैंडर्ड है, के ई एस ओ पीस है और तमाम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया गया है. और जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे फिर ऑब्वियसली यू विल गो फॉर एनर्जाइजेशन. तो बहुत अच्छा सेशन होगा इंशाल्लाह, एंड वी विल बी लर्निंग टुगेदर. थैंक यू वेरी मच.